आप सभी लोगों ने ये तो अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि डिजिटल करेंसी गवर्नमेंट क्यों ला रही है, उसके पीछे उनका मकसद क्या है, क्या उनको बेनिफिट मिलना है, लेकिन हम आप यूजर इनको क्या बेनिफिट मिलेंगे, इस डिजिटल करेंसी के पीछे सच्चाई क्या है, सारी चीजें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा कि जो डिजिटल करेंसी है वो कुछ इस तरीके के नोट्स अब डिजिटल फॉर्मेट में इशू किए जाएंगे। पहले जिस तरीके से RBI फिजिकल नोट प्रिंटिंग करता था, प्रिंट करने के बाद बैंकों को हैंडओवर करता था और बैंक के जरिए हमें वो नोट मिलते थे, लेकिन डिजिटल करेंसी के केस में क्या होगा कि अब आप सभी को डिजिटल सेम उसी तरीके से नोट इशू किए जाएंगे। तो यहां पर ये सारे जो नोट इशू किए जाएंगे, ये एक बार इशू होने के बाद में इसमें इंडिविजुअली हम आप सभी लोग ब्लॉकचेन तरीके से ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है आप सभी को मैं बता दूं कि ये एक तरीके से पूरी तरीके से सिस्टम यानी कि कंप्यूटर इसको मैनेज करता है, जिसमें कि कितने पैसे किसने लिए, किसको दिए गए, वो पूरा रिकॉर्ड वो मैनेज करता है, कौन सा टोकन आईडी आपको इशू किया गया था। तो यहां पर ये जो डेटा होता है ये कंप्यूटर में ना होकर के कई सारे कंप्यूटर्स में मौजूद होता है, जिसमें कि इसके अंदर कोई भी इसको हैक करके या फिर क्रैक करके अंदर नहीं जा सकता है, आप मान सकते हैं पूरी तरीके से सिक्योर है। तो यहां पर ये जो डिजिटल करेंसी है, एक वॉलेट रहेगा, दूसरे वॉलेट के थ्रू ट्रांजेक्शन होने वाले हैं और CBDC की तरफ से एप्लीकेशन अपनी खुद की RBI की तरफ से इशू की जा रही है, जिसको आप यूज कर सकते हो या फिर जितनी भी बैंक है जो डिजिटल करेंसी के अंतर्गत काम कर रहे हैं, CBDC के अंतर्गत पंजीकृत हैं, वो सभी लोग अपना एप्लीकेशन इशू करेंगे जिसमें आप अपना वॉलेट क्रिएट कर सकते हो और उस वॉलेट में आप डिजिटल तरीके से कैश को रख सकते हो और वो कैश कभी भी फिजिकल में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर उस कैश के जरिए किसी को भी आप भुगतान कर सकते हो। अब यहां पर बहुत सारे लोगों के मन में डाउट ये आ रहा होगा कि भाई इस तरीके से तो हम UPI के जरिए पेमेंट करते हैं तो इसमें डिफरेंट क्या रहेगा। आप सभी को भुगतान की प्रणाली से लग रहा होगा कि बिल्कुल ही सेम तरीके से काम करने वाला, जबकि इसका जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से डिफरेंट है। अब यहां पर जब भी आप अपना UPI के जरिए भुगतान करते हो तो बेसिकली आप अपने UPI एप्लीकेशन के जरिए जब पेमेंट करते हो तो उस एप्लीकेशन से एक रिक्वेस्ट बनती है, जो कि उसके बाद में सामने वाली पार्टी को उसका जो है पेमेंट कर दिया जाता है। जब ये पेमेंट होता है तो आप सभी लोगों को एक चीज नोटिस करेंगे, यहां पर पैसा आपके पास में कोई फिजिकल मौजूद नहीं होता है, वो पैसा उस समय बैंक के पास में होता है। आपका बैंक क्या करता है, आपको केवल नंबर्स वहां शो करता है कि आपके अकाउंट में इतने बैलेंस है और उस पैसे में से जितना भी अमाउंट आप बोलते हो वो सामने वाले बैंक को वो इशू कर देता है। जैसे कि आपका स्टेट बैंक में अकाउंट है और आप PNB को पेमेंट कर रहे हो तो PNB को उतना पैसा वो बैंक इशू कर देता है, लेकिन इस केस में पैसा ना आपके पास में था और ना ही वो पैसा उस सामने वाले व्यक्ति को मिला, उसके बैंक को वो पैसा मिल चुका है और वो पैसा कभी भी जब वो फिजिकल कैश में उसे कन्वर्ट करेगा तब वो पैसा उसे ले सकता है। यहां पर डिजिटल करेंसी में क्या हो रहा है कि आप वो पैसा खुद से भेज पा रहे हो, बीच में इसमें बैंक की जरूरत नहीं होती है। पहली बार कैश आपको बैंक के जरिए ही मिलेगा, उसके बाद में इस पर पूरी तरीके से बैंक का राइट नहीं रहेगा, बैंक इसको आपकी परमिशन के बगैर यूज नहीं कर पाएगा, यानी कि बैंक इनकेस अगर डूब भी जाता है तो आप सभी का जो पैसा है वो RBI के पास में रहेगा, CBDC के पास में रहेगा, तो यहां पर वो पैसा आपका यहां पर डूबने वाला नहीं है। तो चलिए अब हम इसके कुछ एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि भाई डिजिटल करेंसी से हमें एक्चुअल में क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो सबसे पहला तो बेनिफिट आप सभी को मिल जाता है यही कि आप सभी को फिजिकल कैश को कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिजिकल जो नोट होते हैं सड़ने गलने या फिर उसके खो जाने का डर रहता है, वो डर यहाँ पर खत्म हो जाता है। यहाँ पर आपको कैश भी हैवी कैरी करने की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर ये जो डिजिटल करेंसी होगी इसको यूज करने के लिए बैंक अकाउंट की आप सभी को जरूरत नहीं होगी। हालांकि आप सभी को फर्स्ट टाइम जब भी ये पैसा लोड करना होगा, इशू कराना होगा, तो आप सभी को डायरेक्ट RBI से नहीं मिलेगा, किसी बैंक के जरिए ही मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से हम कैश में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई भी दुकानदार होता है उसके पास हम कुछ सामान लेने जाते हैं, सर्विस लेने जाते हैं, तो हम वहां पर उसको कैश देते हैं, तो वहां पर अगर उसके पास में कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है तो वो भी अपना एक वॉलेट क्रिएट करके कैश को एक्सेप्ट करता है और उस डिजिटल कैश को कभी भी वो कोई सामान खरीदने के लिए यूज कर सकता है। जिस तरीके से वो फिजिकल कैश देता है, कुछ लिमिटेशन तक के जो ट्रांजेक्शन है वो कर सकते हो। इसके बाद में अगर उससे ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उससे ज्यादा वैल्यू का अमाउंट आप अपने अकाउंट में रख रहे हो, तो उसके बाद में उस अकाउंट की आप सभी को KYC करने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर आप सभी को आधार के जरिए KYC करने का ऑप्शन एप्लीकेशन में मिलेगा। इसके अलावा आप सभी लोग अपने बैंक अकाउंट के थ्रू भी उसको लिंक कर सकते हो, कभी भी कितना भी अमाउंट उसमें लोड कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी लिमिटेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, कितना लिमिटेशन तक का अमाउंट आप विदाउट KYC रख सकते हो, लेकिन ऑप्शन अवेलेबल। और वहीं अगला बेनिफिट ये मिल जाता है, बेसिकली जो भी नोट प्रिंट होते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि नोट की प्रिंटिंग के लिए गवर्नमेंट को काफी अच्छा जो है पैसा वेयर करना पड़ता है और उसको एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना, देखोगे कि कई सारी लॉजिस्टिक के जो वाहन है वो काम करते हैं, तो इसमें एक अच्छा खासा खर्च लग जाता है एक दूसरे बैंक
में ये सब चीजें करने में। तो इसी चीज को ये जो डिजिटल करेंसी है रिजॉल्व करने वाला है, यहाँ पर भी गवर्नमेंट की काफी सेविंग होने वाली है। अगले बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर आप सभी को कोई भी ट्रांजेक्शन फीस नहीं लगने वाली है। अगर आप डिजिटल तरीके से अभी ट्रांजेक्शन करते हो तो आप सभी को पता होगा कि आप सभी को अगर कैश निकालना है एटीएम के जरिए तो 3-4 ट्रांजेक्शन बैंक आपको फ्री देता है, उसके बाद में आप सभी के ऊपर चार्जेस लगा देता है। तो यहाँ पर ये जो है कोई भी आपको डिजिटल करेंसी में चार्जेस देने की जरूरत नहीं होगी, आप इसको बिना किसी तरह के चार्जेस दिए हुए डिजिटल तरीके से उस कैश को इस्तेमाल कर सकते हो, किसी के साथ में आप शेयर कर सकते हो। और यहाँ पर ये डिजिटल तरीके से कैश में भुगतान होने वाला है, तो यहाँ पर इसमें ट्रैकिंग की फैसिलिटी रहेगी, आपने कब किसको कितना भुगतान किया है आप उसको ट्रैक कर पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज की, क्योंकि अभी तक हमने इसके फायदे की बात की, तो अब इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी एक नजर हम जरूर डाल लेते हैं। तो आप सभी लोग देखोगे कि आज की डेट में गवर्नमेंट से सारी चीजें डिजिटल करती चली जा रही है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड, इस तरीके के जितने भी डॉक्यूमेंट है आप सभी लोग देखोगे कि गवर्नमेंट एक दूसरे से इनको लिंक कर रही है। इसी तरीके से आप देखोगे कि डिजिटल करेंसी जो है इसमें भी आप सभी को अभी इनिशियल जो वॉलेट है वो तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इसमें भी आप सभी को आधार के थ्रू ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत होगी। अब यहाँ पर आप सभी लोग जितनी भी चीजें करते हो कभी भी ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती है। यहाँ पर आप सभी लोग फिजिकल अगर घर पे कैश रखते हो तो उस पे आप सभी का पूरी तरीके से कंट्रोल बना रहता है, जबकि यहाँ पर जो डिजिटल करेंसी है इसमें एक तरीके से गवर्नमेंट का ही इस पे कंट्रोल रहने वाला है। आप सभी लोग जिस तरीके से देखते हो कि कभी भी किसी भी तरीके की कुछ अनहैपीनेस किसी के साथ होती है तो उसकी जो सर्विसेज है पूरी गवर्नमेंट बंद कर देती है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप सभी को जो भी सर्विसेज मिलेंगे उस पे गवर्नमेंट का एक तरीके से ज्यादा कंट्रोल होने वाला है। इसी के साथ में इसका एक और भी डिसएडवांटेज है कि आप सभी लोग जितना भी बैंक में पैसा रखते हो उस पर बैंक आप सभी को इंटरेस्ट देता है, लेकिन इसके केस में क्या है आप सभी को कोई भी यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है, जबकि फिजिकल जो कैश होता है वो बैंक के जरिए ही इशू किया जाता है और बैंक में ही पड़ा होता है, आपके बैंक से निकलता है तो किसी दूसरे बैंक में जाता है, इसी तरीके से वो रोटेशन वाइज घूमता रहता है। बल्कि जो डिजिटल करेंसी है इसमें ये जो पैसा है ये आरबीआई की तरफ से बैंकों को इशू किया जाएगा, उसके बाद में यूजर इसे जब अपने अकाउंट में लेगा तो उसके बाद में बैंकों का जो कंट्रोल है इससे हट जाएगा और वो जो पैसा है इंडिविजुअल लोग आपस में जिस तरीके से कैश घूमता रहता है उसी तरीके से घूमता रहेगा। अब अगला डिसएडवांटेज है कि बैंकिंग सेक्टर में जब पैसे पर कंट्रोल बैंकों का नहीं रहेगा तो यहाँ पर लोगों को लोन मिलने में दिक्कतें आ सकती हैं। अब दिक्कतें क्या कि जैसे बैंक अभी क्या करता है कि जब भी आप लोन लेने के जाते हो तो आप सभी का 5-6 महीने का स्टेटमेंट देखता है कि भाई आप कितना लोन लेन कर रहे हो, बैंक में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके एक्टिविटी के हिसाब से और सिविल स्कोर के हिसाब से आप सभी को लोन देता है। तो यहाँ पर जब बैंक के पास में ये सारा पैसा नहीं रहेगा आपके वॉलेट में रहेगा तो यहाँ पर लोगों को उस केस में लोन मिलने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब अगला इसका डिसएडवांटेज ये है कि 35% इंडियन के पास में आज भी स्मार्टफोन नहीं है। बहुत सारे रूरल में जो लोग हैं वो लोग आज भी स्मार्टफोन को अच्छे तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। फिजिकल कैश तो सभी को पता है, जबकि डिजिटल जो कैश है अभी इन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। मैं कल की बात बताऊं, मेरे घर के पास में एक सब्जी वाला है जहां से मैं सब्जी वगैरह खरीदता हूं। अभी कल मैं उससे सब्जी खरीद रहा था तो मैंने कहा कि उसको 500 का एक नोट दिया, उसके पास में चेंज नहीं था, तो मैंने कहा मैं पेटीएम कर देता हूं। तो उसने बोला कि भैया हमारे पास पेटीएम नहीं है, लड़का चलाता है उसके नंबर पे कर दीजिए, लेकिन हम चलाना नहीं जानते इसलिए नहीं रखें। तो इस तरीके से जो बहुत सारी आबादी ऐसी है जो फोन को अच्छे तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाती है, उनके पास में टेक्नोलॉजी नहीं एक्सेस करना उनको आता है, वो ब्लैक एंड व्हाइट फोन इस तरीके का रखे हुए हैं, तो उन लोगों को इस कैश को समझने में, इसको संभाल कर रखने में दिक्कतें आने वाली हैं। और बाकी आप सभी लोग जानते हो कि ऑनलाइन जितनी भी चीजें हैं कहीं ना कहीं इनमें सिक्योरिटी इश्यूज उठते रहते हैं। गवर्नमेंट को इस पे काफी फोकस करना होगा कि जो भी सिक्योरिटी इश्यूज हो उनको फिक्स करे समय समय पर, इसको टेक्नोलॉजी के साथ में अपडेट करे, क्योंकि आप सभी को पता है कि ऑनलाइन जितनी भी चीजें होती हैं उनमें कुछ ना कुछ ऐसे लूप होल होते हैं जो कि हैकर्स उसका पता लगा देते हैं, या फिर उस करेंसी को किस तरीके से वो यूजर के जरिए ट्रांसफर करवा सकते हैं वो इस तरीके के तरीके खोजते रहते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि यूपीआई में क्या होता था, नया नया यूपीआई जब आया था तो लोगों को ये नहीं पता था, अभी भी कुछ लोगों के साथ में ऐसे केस हो जाते हैं। रिक्वेस्ट मनी में क्या करते हैं, वो अपना पिन डाल करके सेंड कर देते हैं पैसे, लोगों को लगता है पैसे आ रहे हैं और पिन डाला और उनके जो खाते से पैसे हैं वो चले जाते हैं, और इस तरीके की जो भी चीजें हैं गवर्नमेंट को इनको समय समय पर फिक्स करना होगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।